छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बड़ा नक्सली हमला हुआ है। इसमें 11 जवान शहीद हो गए हैं। दंतेवाड़ा के अरनपुर में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानी DRG फोर्स को लेकर जा रहे वाहन पर IED हमला हुआ। शहीद जवानों में 10 DRG के जवान और एक ड्राइवर शामिल है। हमले को लेकर CM भूपेश बघेल ने कहा कि नक्सलियों को छोड़ा नहीं जाएगा। ये घटना बहुत दुखद है। नक्सलियों के खिलाफ हमारी लड़ाई अंतिम चरण में है। योजनाबद्ध तरीके से नक्सलवाद को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस हमले के बाद पुलिस ने नक्सलियों को घेर लिया है। दोनों के बीच अब भी मुठभेड़ जारी है। बताया जा रहा है कि और फोर्स को बुला लिया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि माओवादी कैडर की मौजूदगी की सूचना पर दंतेवाड़ा से DRG जवानों को रवाना किया गया था। इसके बाद सभी जवान वहां से लौट रहे थे। इसी दौरान घात लगाए नक्सलियों ने अरनपुर मार्ग पर पालनार में ब्लास्ट कर दिया। बताया जा रहा है कि जवान एक प्राइवेट वाहन से निकले थे। हमले में एक नागरिक की भी मौत हुई है। इसमें कुछ नक्सली भी घायल हुए हैं। मौके पर फोर्स पहुंच चुकी है। वहीं इस हमले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने CM बघेल से बातचीत की। उन्होंने केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। 2017-18 में केंद्र सरकार ने नक्सलवाद से निपटने के लिए 36 करोड़ को 92 करोड़ रुपए दिए थे, जो 2020-21 में बढ़ाकर 140 करोड़ रुपए कर दिए गए थे। हालांकि इसके बावजूद छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा मौतों के मामले में टॉप पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस साल मार्च में बस्तर में थे, लेकिन वह बिना पूर्व योजना के नक्सलियों का गढ़ माने जाने वाले सुकमा में भी पहुंच गए थे। वहीं अगर इस हमले की बात की जाए तो अतिरिक्त पुलिस बल रवाना कर दी गई है। वहीं नक्सली हमले के बाद IG बस्तर P सुंदरराज ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि घटनास्थल से मृतकों के शवों को निकाला जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी वहां मौजूद हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।